ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगंधगुणातान्वितं तं सजीवम् साधवैतम सावधूतम परिजन सहितन कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताम्श्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कुशभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज आंग्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश कालने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे आपकी माता कृष्णा जी बताएंगे। हरे कृष्णा। भगवान नाम में होने वाले 10 नाम अपराध। पहला अपराध, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा अपराध, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा अपराध, वैदिक शास्त्रों तथा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां अपराध, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म यानी कर्म कांड के समान समझना। नौवां अपराध, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम महिमा का उपदेश करना। दसवां अपराध, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बच कर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में परम पद शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो परम लक्ष्य को याद रखें। हमारा परम लक्ष्य है भगवान के चरणों में प्रीति। ठीक है, प्रवेश करते आज के सत्र में। भगवद गीता 18वां अध्याय। कल हमने बुद्धि के बारे में चर्चा करी। सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि, तामसिक बुद्धि क्या होती है गौतम प्रभु बताइए तीनों फटाफट। हरे कृष्ण प्रभु जी, चंद्र हाँ प्रभु जी। सात्विक बुद्धि वो बुद्धि होता है कि जो मनुष्य को ज्ञात मतलब पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब क्या धर्म होता है क्या अधर्म होता है और किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए और कौन से कर्म का बंधन बांधने वाला होता है और कौन से कर्म का बंधन नहीं बांधता है, तो ये सात्विक बुद्धि हो गया प्रभु जी। और राजसिक बुद्धि वो होता है, इसके अपोजिट होता है, जो जो बुद्धि तथा धर्म अधर्म में करनी अकरनी में भेद नहीं समझ पाते हैं, तो वो राशि बुद्धि कहलाता है। और तामसिक बुद्धि में होता है जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है, वह सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है। तो जो तामसी है जो विपरीत दिशा में कार्य करती है, मतलब वो उनको अपने ही तरीके से करते हैं वो सारी चीजों को, वो शास्त्रों को नहीं मानते हैं, तो ये प्रभु जी तामसिक बुद्धि हो गया, उल्टा ही चलते हैं। तो सात्विक उल्टा ही बुद्धि में चल। 4 चीजें बताई गई थी। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, किस तरह कहाँ एंगेजमेंट हमें अपना डालना चाहिए, कहाँ से अपने आप को बाहर निकालना है ना, कैसे माहौल में रखना है, कैसे माहौल से बाहर करना है। कार्य कार्य क्या
क्या करणीय है और क्या अकरणीय है ना, ये क्या करना है क्या नहीं करना है, भया भये किससे डरना है किससे नहीं डरना है ना। कई लोग नहीं डरते है ना, फुल स्पीड मोटरसाइकिल चलाते हैं, उनको मजा आता है, डरते नहीं है, 150 की स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं। तो इसमें डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए, कौन बताएगा? और डरना चाहिए तो क्यों डरना चाहिए, क्या कारण? जल्दी डरना चाहिए प्रभु जी। डरना चाहिए, क्यों डरना चाहिए? हाँ प्रभु जी, इसलिए डरना चाहिए क्योंकि हमको ये शरीर जो मिला उसमें कुछ फ्री विल मिला हुआ है। हम समझ सकते हैं कि हमको मालूम है कि अगर हम स्पीड चलाएंगे तो कानून कानूनी एक तो कानून की तरफ से भी हमको वहां पे दंडित होना भी पड़ेगा, और दूसरा कि हमें कहीं चोट भी आ सकती है स्पीड चलाने। हमको मालूम है क्योंकि स्पीड चलाएंगे तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ चीजों को हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो फुल स्पीड 150 की स्पीड चलाने का अर्थ ये हो गया कि आपने अपने इस बहुमूल्य शरीर को रिस्क में डाल दिया है ना। फ्री विल का अर्थ ये नहीं है कि हम जो है ना उसको गलत उपयोग करें। अगर कुछ हो जाता है तो ये आत्महत्या कहलाएगी, और आत्महत्या एक महापाप हो जाएगा। शरीर छूट जाएगा तो जो चांस मिला था भगवत प्राप्ति का वो निकल जाएगा। इसलिए डरना चाहिए ऐसे कार्यों से जिससे हमारे को अध्यात्म में तकलीफ हो, जिससे हमारे कृष्ण की सेवा छूट जाए, ऐसे चीजों से डरना चाहिए। तो भय होना चाहिए, डरना चाहिए। अगर कल को कुछ हो गया मेरी सेवा छूट जाएगी, मैं कृष्ण की प्राप्ति कैसे करूंगा? इसलिए एकदम फुल स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी, और वैष्णवों की निंदा नहीं करनी थी। बड़े बड़े वैष्णव है पीछे बोले जा रहे ये गलत है वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत डरना चाहिए। वैष्णव की निंदा करने से भक्ति खत्म हो जाती है, पता ही नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे बाहर हो जाएंगे। कल तो दिखते थे, पहले तो बहुत आते थे बेस में, अब दिखते नहीं है, भक्ति नहीं करते। क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर निंदा करी, अब भक्ति छूट गई। तो लेकिन बोलेंगे प्रभु जी भक्ति तो हमेशा रहती है, वो तो कभी खत्म नहीं होती है। नेह अभिकम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पमसि धर्मस्य त्रायते महतो व्याधि। भक्ति का तो कभी नाश नहीं होता, तो फिर आप कैसे बोले भक्ति छूट गई? अरे भक्ति का नाश नहीं हुआ है, भक्ति जो है ना वो एज अ फिक्स डिपॉजिट में चली गई है, लेकिन अब मिलेगी नहीं। कब तक नहीं मिलेगी? अनंत जन्मों तक नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो है तुमने निंदा कर दी। अनंत जन्मों के बाद कैसे मिलेगी? जब किसी वैष्णव की कृपा होगी, जब किसी जो है ना भक्त की आपके ऊपर कृपा होगी, तब जाके आपको वो बैंक अकाउंट का नंबर मिलेगा, वो पासवर्ड मिलेगा, और वो एफडी खुलेगी तब जाके। नहीं तो पड़ी रहेगी कोई काम की नहीं है ना। बैंक में लॉकर में सोना रखा है, कोई काम का है क्या? पहन सकते हो क्या? निकाल सकते हो क्या? यूज कर सकते हो क्या? दिखा सकते हो क्या? नहीं, नहीं दिखा सकते हो, तो बैंक में पड़ा है, हमारे घर में थोड़ी पड़ा है। वैसे ही है, भक्ति भी बैंक में पड़ी रह जाएगी, ना उसका उपयोग कर सकते हो, ना भक्ति कर सकते हो, ना भगवान का नाम ले सकते हो, ना कोई जो है और ज्ञान की बात कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो तो आवृत हो चुकी है, किसी के निंदा करने के कारण वो ढक चुकी है पूर्ण रूप से। भय होना चाहिए, ठीक है? भया भये और बंधम च मोक्षम च, जिसको ये ज्ञान होता है वह सात्विक बुद्धि कहलाती है। और जो हाफ माइंडेड है, कंफ्यूज्ड है, धर्म क्या है अधर्म क्या है समझ में नहीं आ रहा है, हमको तो वो भी ठीक लगता है ना, निर्विकार भी ठीक लगता है, भगवान का स्वरूप है कि नहीं है ये भी ठीक लगता है। हम लोग तो सोचते हैं कि भगवान नहीं है, सिर्फ प्रकृति है, नेचर ही है और कुछ नहीं है, सब शून्य है, एक दिन सब खत्म हो जाएगा, ये भी ठीक लगता है। और जो कंफ्यूज है, जिसको धर्म मालूम ही नहीं है, जो पढ़ नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, वो हो जाएगा राजसिक, है ना। वो क्या करणीय है क्या अकरणीय है उसका भेद नहीं कर पाता, क्या करूं क्या ना करूं, है ना, बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है। और तामसिक बुद्धि में तो पूर्ण रूप से मोह के वशीभूत होके अधर्म को धर्म कर समझता है, और धर्म को अधर्म, पूरा उल्टा करते हैं लोग, और बड़ी निष्ठा के साथ करते हैं अधर्म को कि मैं धर्म कर रहा हूँ, है ना। अपने शरीर को काटते हैं, एक मैंने वीडियो देखा था, एक वो ये लोगों का निकलता है ना जिसमें अपने आप को ऐसा ब्लेड ब्लेड मारते हैं, है? एक निकलता है तो उसमें इतनी बड़ी तलवार लेके ऐसा पीठ में मारा उसने, और पूरी पीठ फट गई उसकी, आधी हो गई थी।
पूरी पीठ ऐसा दिखा, पूरा वीडियो बना। मैं बड़ा देख के घबरा गया कि पूरी पीठ आधी फट गई। तुरंत उसको आईसीयू में डाला गया, एज हॉस्पिटल ले जाया गया। तो ये सब क्या है? ये सब भगवान बोल रहे हैं कि अपने आप को कष्ट दो, अपने शरीर को कष्ट दे के मेरे पास हो। जो माता दुर्गा देवी के नवरात्र होते हैं, वो इधर से चीर फाड़ कर, इधर छेदा कर रहे हैं गले में, है और गाल में छेदे कर रहे हैं, पीठ में छेदे कर रहे हैं, हर कहीं वो घुसेड़े चले जा रहे हैं, त्रिशूल त्रिशूल, जैसे माँ प्रसन्न हो रही है और उनको वरदान पे वरदान मिल रहे हैं, और अपने आप को दिखाते हैं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो जो मतलब कितना, मतलब आप कर रहे बेचारे, मतलब ऐसा नहीं, हमको उनकी श्रद्धा है, वो कर रहे अपनी श्रद्धा से कि मेरी देवी माँ बहुत खुश होगी, मेरी प्रसन्न होगी, मुझ पर आशीर्वाद देगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेतु होता है, मेरा ये संपन्न हो जाएगा, मेरा घर बन जाएगा, मेरी नौकरी लग जाएगी, मेरे को बच्चा हो जाएगा, ये सब सोच सोच के वो कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रसन्न नहीं हो रहा एक्चुअल में। अंदर की बात तो यही, कोई प्रसन्न नहीं हो रहा। देवी माँ नहीं बोल रही, देवी माँ बोल रही है मेरे बच्चे हो के तुम ये क्या कर रहे हो, इससे अच्छा तो तुम दूसरे जीवों को मारना बंद कर दो, है उससे हमको प्रसन्नता मिलेगी, है ना, मुर्गा नहीं खाओ, बाकी पशुओं की हत्या बंद कर दो, वो प्रसन्नता का कारण है, ना कि ये प्रसन्नता का कारण है अपने छेदे कर रहे शरीर। तो ये सब तामसिक बुद्धि। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, धृति में आज प्रवेश करते हैं, 18.33 साथ में दोहराएंगे। धृत्या यया धार्यते, धृत्या यया मनः धार्यते प्राणेन्द्रियः क्रिया, मनः मनः प्राणेन्द्रियः प्राणेन्द्रिया क्रिया, क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या, योगेन योगेन व्यभिचारिण्या व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी, धृति धृतिः सा सा पार्थ पार्थ सात्विकी। सात्विकी धृत्या यया धार्यते द्वितीया यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया मनः प्राणेन्द्रिया क्रिया, योगेनाभ्यभिचारिण्या योगेन अभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी जीतिह सा पार्थ सात्विकी। द्वितीया यया धार्यते, द्वितीया धृत्या यया यया धार्यते धार्यते मनः प्राणेन्द्रिया क्रिया, मनः मनः प्राणेन्द्रिया प्राणेन्द्रिय क्रिया क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या, योगेन योगेन अव्यभिचारिण्या अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी, धृतिः सा पार्थ सात्विकी। सात्विकी अनुवाद, हे प्रथापुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। धृत्या यया धार्यते, जो ऐसी धृति को धारण करता है, कैसी धृति को? धृति क्या होती है? धृति मीन्स धैर्य, धृति मीन्स कंट्रोल इन माय, मेरी सेंस के ऊपर कंट्रोल, मैं अपने शरीर के ऊपर जो कंट्रोल करता हूँ उसको धृति कहते हैं। डिटर्मिनेशन, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करके दिखाता हूँ, अपने आप के ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है मेरे ऊपर, मेरी इंद्रियों को संयमित करके रखता हूँ मैं, ये होती है धृति। धृति मीन्स मन को वश में करना, मन के कार्यकलापों को कंट्रोल करना, धृति है ना। धृति यया धार्यते, जो ऐसी धृति को धारण करता है, कैसी धृति को? मनः प्राण इंद्रियः क्रिया, मन प्राण और इंद्रियों के कार्यकलापों को जो धैर्यता से धारण करता है ना, धृता धृत्या यया ध्यारते, ऐसी संकल्प शक्ति से मन प्राण इंद्रियों की क्रियाओं को जो
कंट्रोल करते हैं, है ना, योगेन, योगेन मीन योग अभ्यास द्वारा कंट्रोल करते हैं। अव्यभिचारिण्या, वो जैसा जहां चाहते हैं अव्यभिचारी, उसको कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करते, मन को, प्राण को, इंद्रियों को, क्रियाकलाप, उनके क्रियाकलापों को अपने योगाभ्यास द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी धृति के द्वारा जो निरंतर बनाए रखते हैं। धृति सा पार्थ सात्विकी, ऐसी धृति सात्विक कहलाती है। ठीक है, तो बेसिकली हमको दूसरे कुपथ में या गलत दिशा में ले जाने का काम कौन करता है? मन करता है ना? मन, इंद्रियां और प्राण ये करते हैं कि अरे छोड़ देते, आज आज सो जाते, आज 16 माला नहीं करते, आज एक दिन तो मेरे को मैं उस दिन मेरे बेटे को बोल रहा था, अरे एकदम सात्विक जो है ना, सत्वगुण तभी डेवलप होगा जब तुम अपने डिसीजन, अपने जो है डिसिप्लिन में रहोगे, अपने जीवन को डिसिप्लिन में लाओ। तो मेरे को बोलता है, पापा एक दिन तो चीटिंग चल सकती है ना, संडे संडे तो चल सकती है ना। अरे अरे यार क्यों चलेगी संडे संडे, बोले एक दिन तो छुट्टी कर सकते ना, बाकी 6 दिन हम ठीक है करेंगे। तो वही है, मन जो है देखो एक दिन के लिए छुट्टी मांग रहा है, फिर धीरे धीरे 2 दिन हो जाएगा, फिर धीरे धीरे 4 दिन हो जाएगा, फिर बोलेंगे बड़ा फेस्टिवल है आज भी, आज तो बर्थडे, आज छुट्टी कर लेते, ये कर लेते। तो ये काम जो है ना मन, प्राण, इंद्रियों का होता है कि आदमी के जो डेडिकेशन लेवल है उसको डाउन कर, उसको नीचे ला देता। मन बोलता है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, भक्ति करेंगे, कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, कल कर, कल से पक्का, कल से पक्का, कल उठेंगे। तो इसको इंग्लिश में हम विल पावर भी बोलते हैं, है ना, धृति को विल पावर, डिटर्मिनेशन का लेवल। जैसे हम देखते हैं, हम एक कुत्ते को घुमाने ले जाते हैं ना, कुत्ते को देखते हैं, कुत्ता हर जगह गंदी जगह मुंह मारता है ना, पॉटी में, नाली में, गंदे गंदी जगह, हर कहीं जाके खींचता है, उसको खींचना पड़ता है, पट्टा बांधे रहते हैं, रस्सी से खींचते कुत्ते को, चल इधर चल, गंदी जगह नहीं जा, गंदी जगह नहीं। वैसी हमारा मन भी है, मन को बार बार खींचना पड़ता है, वो जाएगा जरूर, लेकिन धृति तब कहलाएगी जब हम उसको वापस खींच के अपने पास में, नहीं माला कर रहे हैं, मन उधर जा रहा है, मेरे बच्चों का क्या हाल है ना, शेयर बाजार आज ऊपर हुआ कि नीचे हुआ, आज जो है मेरे ऑफिस में कौन मिलने आया था मेरे से, आज मेरे पास तो पैसा आ गया, उसने मेरा पैसा दिया नहीं, क्या बात है, ये यहाँ पे मन चल रहा है, अपने कार्यकलापों में, गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड में, बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड में मन चल रहा है, तो उस मन को वहां से खींच के वापस लाना, इसको कहते धृति, जाएगा जरूर लेकिन खींच के वापस लाने की शक्ति होनी चाहिए, इसको कहते धृति, जाएगा जरूर, ऐसी बात नहीं है, भक्तों का भी जाता है, भक्ति में भी जाता है, उन्नत भक्तों का भी जाता है, ऐसी बात नहीं है, मन का तो काम ही यही है। एक बार प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद ये माया का अटैक कब तक होता है, माया कब तक हमसे जो है ना भक्ति छीनने की कोशिश करती है, कब तक ये देखती है, कब तक, आखिर कोई तो लिमिट होगी। तो प्रभुपाद बोलते हैं टिल योर बेथ डेथ बेड, डेथ बेड, मृत्यु मृत्यु शैया तक जो है ना माया तो कोशिश करती रहती है कि कैसे इसको मैं भक्ति से बाहर निकालू, कैसे इसको जो है ना इसको डिस्टर्ब कर दू। तो अटैक करती रहती माया, और माया ऐसे अटैक करती है जो आपको पसंद है ना वही चीजें ला ला के देगी, पहले नहीं मिलता था लेकिन भक्ति के बाद मिलना चालू हो जाए, सब चीज चाहिए, जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन अब तो भक्त हो गए, अब तो करना नहीं, पहले दोस्त बोलते थे, पहले चिल्लाते थे, जो भी है, अब बोलते चलो ना, मैं हम लेके चल रहे, घर आ रहे, घर लेके चलते, तुम मेरी गाड़ी में चलना, बस तू चल बस हमारे, और पहले जब बोलते थे चलो 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 तो इग्नोर मारते थे, और अब बोलते कि गाड़ी में भी बैठ के चलो हम लेने आएंगे, अब हमको जा रही, फोन आता है, पार्टी है, बर्थडे है, ये है वो, अरे भैया क्या करे, ठीक है मजबूरी में बोल देते, अभी 8 बजे रखोगे तो आएंगे, ठीक है तेरे लिए 8 बजे भी बैठेंगे, कोई बात नहीं, तू 8 बजे आ, अच्छा ठीक है भाई आ जाएगी, क्या करे।
ऐसा है बेसिकली, हर चीज माया प्रदान करती है। तो इसमें जो है ना योगेन योगाभ्यास की चर्चा चली है। तो हमने चर्चा हमने देखा योगा का, योग का मतलब क्या होता है, भगवान से जुड़ना है ना। ऐसे कार्यकलापों को मन प्राण इंद्रियों को डालना है ऐसी जगह जिससे भगवान की प्राप्ति हो सके, ना कि जो है ना योगा कर रहे हैं है ना अपने शरीर के लिए कर रहे हैं। हमारे को जो है ना रात को मीठा खाना है, दोपहर को मीठा खाना है, शुगर लेवल ना बढ़ जाए इसलिए योगा करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे, ये नहीं। योग का मतलब होता है भगवान की प्राप्ति, है ना। भगवान ने ऑलरेडी 6वें अध्याय में बताया ही है, 6.47, क्या कहते हैं भगवान क्या हो गया। हाँ, योगी नाम अपि सर्वेशां मद्गतेनंतरात्मना, श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्त तमो मता। समस्त योगियों में वो योगी श्रेष्ठ है जो पूर्णतः मेरे तल्लीन है, श्रद्धा से मेरे ऊपर अपना जो है ना मेरे को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहा है। योगी नाम अपि सर्वेशां मद्गतेनंतरात्मना, वह योगी श्रेष्ठ है ना कि बाकी योगी। ठीक है, तो तात्पर्य में प्रवेश करते, तात्पर्य भाई शील प्रभुपाद, शील प्रभुपाद। योग परमात्मा को जानने का साधन है, हमने यही पढ़ा 6.47 में। योग क्या होता है, जो व्यक्ति मन प्राण तथा इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़ता पूर्वक उसमें स्थित रहता है वही कृष्ण भावना में तत्पर होता है। तो हमको क्या करना है, मन प्राण तथा इंद्रियों को परमात्मा में ही लगाना, दूसरी जगहों से खींचना है हमको। ऐसी धृति सात्विक होती है। अव्यभिचारिण्या शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूचित करता है कि कृष्ण भावनामृत में तत्पर मनुष्य कभी किसी दूसरे कार्य द्वारा विचलित नहीं होते। अव्यभिचारिण्या ये वर्ड जो है ना एक और श्लोक में आया था, है ना, 14.14.26 में, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतितेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मेरी भक्ति में अव्यभिचारी भक्ति में लगा रहता है वह प्रकृति के तीनों गुणों को पार करके ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। वही अव्यभिचारी का शब्द यहाँ पे है कि ऐसी मन ऐसे प्राण ऐसी इंद्रियां हो जो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए ही कार्य करने में लगे रहें, उसी में तत्पर रहें, ना कि दूसरे की सेवा में। मन बोलेगा चलो आज एक दिन तो पिक्चर देख लेते हैं, मन बोलेगा आज एक दिन तो हंसी ठिठोली कर लेते हैं, आज एक दिन तो घूमने चले जाते, दोस्तों के साथ चुगली चपट्टी करते चुगली चपट्टी। पहले हम लोग जब स्कूल में थे, मेरा एक दोस्त था, बदमाश था, बहुत बदमाश था, वो बुलाता था सबको, आओ आओ मिलके चुगली चपट्टी करेंगे सबकी, तू बता तेरे को किसके बारे में मालूम है, सब मिलके उसकी बुराई, इसके घर की बुराई, उसकी बुराई, इसके घर में ये हुआ, उसके साथ ये हुआ, ये करते थे छोटे थे स्कूल में, आओ आओ चुगली करेंगे एक दूसरे के साथ तो ये खतरनाक है, इससे बचना चाहिए। इनसे जो है ना एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे की निंदा, इसकी खामी उसकी खामी, ये सब नहीं ढूंढना, ये काम नहीं है हमारा। तो मन प्राण इंद्रियों को अव्यभिचारी भगवान की सेवा में लगा, है ना, इसको कहते हैं धृति, संकल्प शक्ति, है ना। शुद्ध भक्ति के लिए अपने को एफर्ट्स करने हैं प्राण मन इंद्रिया से, और किसी चीज के लिए नहीं करनी, भले इधर उधर जा भी रही लेकिन उसको खींच के वापस लाना है हमारे, है ना, तभी वो संकल्प। पहले पहले एक्चुअल में देखो बुद्धि पहले बताया भगवान ने, फिर संकल्प शक्ति धृति के बारे में बताया, क्योंकि बुद्धि जो होता है ना वह क्रियान्वित के स्तर पर नहीं होता, बुद्धि में सिर्फ समझा जाता है, बुद्धि से विश्लेषण किया जाता है, फिर बुद्धि से डिसीजन लिया जाता है, लेकिन डिसीजन तब आपका फर्म होगा, तब स्ट्रांग होगा जब आपके अंदर धृति हो। धृति जो होती है वो संकल्प शक्ति होती है, मतलब धारण करने की शक्ति। ठीक है, तो ऐसी बुद्धि ऐसी चीजों को हम सात्विक कहते हैं, सात्विक धृति, जैसे हमारे नामाचार श्री हरिदास ठाकुर थे,
कितना उनको परेशान किया गया, 22 बाजार में मारा गया कि नाम मत ले, भगवान का नाम मत ले, तो भी जो है धृति उनकी मजबूत थी। और वहीं एक हमारा अजामिल हुआ, अजामिल की धृति बहुत वीक थी, है ना। उसने एक वैश्या को देखा और सब कुछ अपना मन प्राण इंद्रिय खो दिया, वहीं पे उसी के सेवा में लग गया। जबकि वो पंडित था, ब्राह्मण था, वेद पढ़ता था, भगवान के लिए ही फूल लेने जा रहा था बाजार में, बगीचे में, और वहां पे वैश्या को देख के उसने जो है अपना संयम खो दिया और अपनी जो है ना धृति को नाश कर दिया। ठीक है, अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, 34। यया तू धर्म कामर्थान, जया तू यया धर्म तु धर्म कामार्थान धृत्या कामार्थान, धार्यते अर्जुना, धृत्या धृत्या धार्यते धार्यते अर्जुना अर्जुना। प्रसंगेन फलाकांक्षी, प्रसंगेन फल प्रसंगेन फलाकांक्षी, आकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी, धृति धृति सा सा पार्थ पार्थ राजसी। राजसी, यया तु धर्म कामार्थान, धृत्या यया तो धर्मा का अर्थान धृत्या धार्यते अर्जुना, धार्यते अर्जुना प्रसंगेन फलाकांक्षी, प्रसंगेन फलम प्रसंगेन कांक्षी धृति सा पार्थ राजसी, धृति सा पार्थ धृति राजसी। यया तु धर्म कामार्थन यया तु यया तु धर्म धर्म कामार्थान, कामार्थन धृत्या धार्यते अर्जुना धृत्या धार्यते धार्यते अर्जुन अर्जुना, प्रसंगेन फल आकांक्षी भी प्रसंगेन फल प्रसंगेन आकांक्षी, धृति सा पार्थ राजसी धृति सा पार्थ धृति राजसी। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी है ना। यया तू धर्म काम अर्थान, यया जिससे, लेकिन तू मतलब लेकिन, जिससे लेकिन धर्म काम और अर्थ सिर्फ इनकी प्राप्ति है ना, इसी के लिए जो शक्ति का यूज किया जाता है, संकल्प शक्ति का, जिससे हम एक चार पुरुषार्थ होते हैं, वेदों में चार पुरुषार्थ का चर्चा किया गया है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म का फॉलो करते हुए अर्थ कमाना है, धर्म अर्थ, और उस जो पवित्र अर्थ होता है, जो मतलब अर्थ मीन्स पैसा संपत्ति, ऐसी पैसा संपत्ति जो धर्म के आधार से कमाया गया है, उससे अपनी जो है ना काम इच्छाएं पूरी करना, काम मीन्स इच्छा पूर्ति करना। तो इच्छा जो है जरूरी नहीं है सिर्फ जो है काम का मतलब ये हो कि गैर इच्छा है, मतलब जो गंदी इच्छाएं हैं वो नहीं, कुछ भगवान की सेवा करनी है, भंडारा करना है, वैष्णवों की सेवा करनी है, डोनेशन देना है, ये भी काम हो सकता है, स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, मन को शुद्ध करना है, भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाना है, घर का माहौल पवित्र करना है, ये सारी भी इच्छाओं में आता है। तो धर्म अर्थ काम और इसके बाद मिलता है अल्टीमेट मोक्ष। तो चार पुरुषार्थ बताए गए हैं वेदों में कि सारे मनुष्यों को ये चार पुरुषार्थ ही करने चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है ना तीन पुरुषार्थ की बात करें, मोक्ष को हटा दिया गया, सिर्फ धर्म अर्थ काम, और काम भी ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति हो, है ना। यहाँ लिखा है यया तू धर्म काम अर्थ, धर्म के बाद काम फिर अर्थ, लेकिन धृत्या धारते, ऐसी धृति जो है धारण करता है अर्जुन प्रसंगेन फल आकांक्षी, मतलब जो सिर्फ कर्म फल की इच्छा वाली जो धृति हो, ऐसे धर्म अर्थ काम को जो कंप्लीट करता है
उसको हम जो है ना राजसी कहेंगे। सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए धर्म अर्थ काम को लगाए, उसको कहेंगे हम राजसी। यहाँ प्रसंगेन का अर्थ बता, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रसंगेन का अर्थ यहाँ दिया है आसक्ति के कारण, और जो है श्री बलदेव विद्याभूषण की जो टिप्पणी है उसमें प्रसंगेन का अर्थ लिखा गया है कि ऐसे लोगों का संग करना जो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में अनुभवी है ना। ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता है जो सिर्फ इच्छा पूर्ति करने में एक्सपर्ट है ना। एक पिक्चर आई थी पहले, हम देखे थे, लव गुरु, सलमान खान की पिक्चर थी पुरानी, लव गुरु। वो सबको ज्ञान देता है कैसे तुम्हारी प्यार की जो गाड़ी है वो आगे बढ़े। उनके लिए मेहनत करता है, उनके लिए ये बताता है ऐसा करो वैसा करो ऐसा करो। तो ऐसे लोग प्रसंगीन है, मतलब जो अनुभवी हैं इच्छा पूर्ति करने में। आपकी इच्छा हम पूर्ति करेंगे, हमारे पास आइए, हम आपको ज्ञान देंगे, आपको रास्ता बताएंगे, आपको मेथड्स बताएंगे, समझाएंगे ऐसा करो वैसा करो, तो आप अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हो। तो बेसिकली ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ धर्म अर्थ काम, वो भी सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए करे, मोक्ष के लिए ना करे, ऐसे लोगों को राजसी कहा जाता है। तात्पर्य तात्पर्य भाई, शील प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति धार्मिक या आर्थिक कार्यों में कर्म फलों का सदैव आकांक्षी होता है, जिसकी एकमात्र इच्छा इंद्रिय तृप्ति होती है, तथा जिसका मन, जीवन तथा इंद्रियां इस प्रकार संलग्न रहती है, वह रजोगुण होता है, रजोगुणी होता है। तो रजोगुणी वैसे हम जानते हैं, रजोगुणी मतलब पैशनेट होना है ना, अपनी इच्छा पूर्ति में संघर्ष करना, कर्म करना, और सिर्फ मेरा 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 करता रहे, जो अपने लिए सारे कार्य करे, अपने मान प्रतिष्ठा के लिए, अपनी लग्जरी के लिए, अपने शरीर को और सुख प्रदान करने के लिए जो कार्य करे, दुखों को कम करने के लिए कार्य करे, उसको रजोगुणी कहते हैं, है ना। तो हमने चर्चा करी थी, जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा पैदा होता है ना, वो रजोगुण में ही पैदा होता है। फिर धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके पास ऑप्शन आता है, या तो तमोगुण की तरफ बढ़ेगा या सतोगुण की तरफ बढ़ेगा। वो अपने पिछले कर्मों के अनुसार, संस्कार के अनुसार, धीरे 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 वो अपने गुण में प्रवेश करता है। ठीक है, तो ये होती है बेसिकली राजसिक धृति। ठीक है, तो इजी है, इसमें कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, 35 में। यया स्वप्नं भयं शोकम्, यया यया स्वप्नं भयं भयं शोकम्, शोकम् विषादं मदम् एव च, विषादमदमेव च। न विमुञ्चति दुर्मेधा, न न विमुञ्चति दुर्मेधा विमुञ्चति चेत्, दुर्मेधा धृति स पार्थ तामसी, धृति स धृति पार्थ पार्थ तामसी। तामसी। यया स्वप्नं भयं शोकम्, यया यया स्वप्नं स्वप्नं भयं भयं शोकम्, शोकम् विषादं मदम् एव च, विषादं मदम् विषादमदम् एव एव च, च, न विमुचन्ति दुर्मेधा, न न विमुचन्ति विमुचन्ति दुर्मेधा, दुर्मेधा, धीतिः सा पार्थ तामसी, धृति सा धृति सा पार्थ पार्थ तामसी। 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 यथा यया स्वप्न, स्व यह बोली 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 प्रभु, बोल आप बोलिए। यया स्व यया स्व में भयं शोकम्, यया यया भयं स्वप्नं भयं शोकम्, भयं शोकम् शोकम्, विषादं मदम् एव च, विषादं विषादं मदम् एव मदम् च, एव च, ना विमुच्यति दुर्मदा, ना ना विमुच्यति विमुच्यति दुर्मदा, दुर्मेधा, धृति सा पार्थ तामसी, धृति सा धृति पार्थ सा तामसी। अनुवाद।
हे पार्थ, जो धृति, स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी है ना। तो यहाँ अपना श्लोक में लिखा है, यया स्वप्नम, जिससे स्वप्न, भय, शोकम, विषादम, है ना। भय मीन्स डर, शोक मीन्स हमेशा उदास बैठा रहता है, विषाद मीन्स दुखी, तकलीफ में रहता है हमेशा, मदम मीन्स अहंकार में रहता है ना। एवं च, ये बताया गया, स्वप्न, भय, शोक, विषाद और मद, ये बताया गया 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स बताए गए हैं, जो इन पॉइंट्स में ही रहता है, न विमुच्यति दुर्मेधा, मतलब कभी भी वो इनको त्यागता, त्याग ही नहीं पाता है, न विमुंजति दुर्मेधा, ऐसी दुर्बुद्धि जो होती है उसको धृति को तामसी कहते हैं। स्वप्न, सोने का शौक है, कई लोग रहते हैं, बहुत सोते हैं, बोले कुछ भी होता है हम सो जाते, समय मिलता सो जाते, कौन जल्दी उठे, आराम करते एकदम फुल फुल टू आराम। स्वप्न, स्वप्न में रहते हैं, ज्यादा सपने देखते हैं, दिन में भी सपने देखते कई लोग, जो सपना देखेंगे बस ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, उसी सपने में ही अपनी जीवन को बीता बिताते हैं। भय, डर रहता है उनको, काम करेंगे प्रॉब्लम हो जाएगी, डर डर बना रहता है, अरे छोड़ो ये करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बॉस डांटेगा, ये करेगा वो करेगा, छोड़ो ना क्यों काम कर, काम डर डर बना रहता है उनका। शोकम, शोक में रहते हैं, जैसे कहा जाता है ब्राह्मण जो होता है वो कोई भी शोक से जो है ना, उसके लिए मेरे ख्याल से हफ्ते भर का 7 दिन का समय रहता है ब्राह्मण के लिए शोक से बाहर निकलने का, कोई उसके घर में डेथ हो गई तो 7 दिन का समय रहता है ब्राह्मण को, 7 दिन तक ठीक है, इमोशनल जुड़ा रहता है आदमी, सालों साल तक जुड़ा रहता है, घर का कोई व्यक्ति अगर गुजर जाए तो 7 दिन तक, लेकिन उसके बाद उसको बाहर आना ही चाहिए, ब्राह्मण तभी, क्षत्रिय ज्यादा से ज्यादा 10 दिन तक, 10 दिन तक शोक में रहेगा क्षत्रिय, उसके ऊपर उसको बाहर आना ही पड़ेगा, उसके बाद अपने काम में, अपने राज्यपाट में, अपनी डेली रूटीन में लगना पड़ेगा। वैश्य, वैश्य को 12 से 15 दिन का समय दिया गया है, 12 से 15 दिन तक शोक में रह सकता है, बस उसके ऊपर नहीं रह सकता, उसके बाहर उसको फिर बाहर आना ही पड़ेगा, धंधे पे लगना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, व्यापार चालू करना पड़ेगा, है ना। लेकिन शूद्र, शूद्र के लिए कोई टाइम ही नहीं है, लिमिट नहीं है, वो शोक से जो है ना सालों साल बाहर नहीं आता, अनेकों समय तक वही एक शोक लेके पड़े रहता है, परेशान रहता है, हाय हाय मेरा ये चला गया, ओहो 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, भाई अब तो नॉर्मल हो जाओ, नहीं अभी भी बस शोक ही शोक है, क्यों, क्योंकि ज्ञान ही नहीं, तामसिक बुद्धि है, समझने की शक्ति नहीं है, अपने जो है ना जिम्मेदारियों का एहसास ही नहीं, तो ऐसा व्यक्ति शोक में रहता है हमेशा। विषाद, दुखी रहेगा, खिन्न रहेगा, जब बोलो जब बोले उदासी रहेगा, जब बोले, कई लोगों की आदत रहती है। और मोह, मोह में रहता है, अहंकार में रहता है, हम करता रहेगा। मैं देखता हूँ ऐसे लोगों को, पहले तो पिताजी के समय बहुत अच्छा था, संपन्न परिवार थे, पैसा था, मान प्रतिष्ठा थी, लेकिन समय रहते कुछ कुछ लोगों के साथ जो है ना लक्ष्मी नाराज होता हो जाती है और लक्ष्मी चली जाती। अब जब तुम कम हो गए हो तो वास्तविक स्थिति में आ जाओ, नहीं अभी भी वही अहंकार है पुराना, है ना, बोलते हैं ना रस्सी बल, रस्सी जल गई बल नहीं गया, रस्सी जल गई अभी भी बल बल पड़ा हुआ है, अभी भी नाक नीचे नहीं करेंगे, क्यों, हाँ हम तो वो थे, अरे थे मतलब आज थोड़ी हो, अब तो नॉर्मल हो जाओ, नहीं अभी भी वही वही अहंकार पुराना भरा पड़ा हुआ है ना। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, दुर्मिधि धृति जो होती है उसको तामसिक कहते हैं। तात्पर्य, तात्पर्य में प्रवेश करते हैं, तात्पर्य शील प्रभुपात, शील प्रभुपात की जय। इससे यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि सतोगुणी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता, स्वप्न सब देखते हैं, सतोगुणी और रजोगुणी और तमोगुणी है, यहाँ पर स्वप्न का अर्थ अति निद्रा है ना। यहाँ पे जो है प्रभुपाद ने बताया है कि स्वप्न का मतलब है, स्वप्न तो देखेगा हर आदमी, लेकिन यहाँ पे स्वप्न का मतलब है ज्यादा सोना, ज्यादा देर बिस्तर में पकड़ के बैठे रहना,
स्वप्न सदा आता है, चाहे वह सात्विक हो, राजसिक हो या तामसिक। स्वप्न तो प्राकृतिक घटना है, लेकिन जो अपने को अधिक सोने से नहीं बचा पाते, जो भौतिक वस्तुओं को भोगने के गर्व से नहीं बचा पाते, जो सदैव संसार पर प्रभुत्व जताने का स्वप्न देखते रहते हैं और जिनका प्राण मन तथा इंद्रियां इस प्रकार लिप्त रहती हैं, वह तामसी धृति वाले कहे जाते हैं। तो इसमें एक ही लाइन में प्रभुपाद ने खत्म कर दिया, जो अपने आप को अधिक सोने से नहीं बचा पाते, मतलब 12-15 घंटे सोते रहते हैं वो, है ना, जो भौतिक वस्तुओं को भोगने के गर्व से नहीं बच पाते, भोगेंगे बड़ी प्रसन्नता होती है, कोशिश करते हैं मेरे को भी मिल जाए। और कई लोग रहते हैं जिनका ड्रीम ही ये रहता है, मेरे को भी ये मिल जाए, मेरे को भी ये मिल जाए, उसी में सपने में रहते हैं, मैं एक दिन ऐसा बन जाऊंगा, एक दिन ऐसा घर मेरा होगा, एक दिन ऐसी मोबाइल मेरी होगी, एक दिन ऐसी गर्लफ्रेंड मेरी होगी, ये स्वप्न में रहते हैं, आधी आधा पूरा जीवन उनका स्वप्न में चला जाता है। और जो संसार पर प्रभुत्व जताने का स्वप्न देखते रहते हैं, हमेशा कोशिश करेंगे कंट्रोलरशिप मेरे हाथ में रहे, मेरे हिसाब से दुनिया चले, मेरे हिसाब से मेरे घर वाले चले, मेरे हिसाब से सारे लोग उठें बैठें बोलें कार्य करें, ये सब स्वप्न है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इवन घर के सदस्य, पिताजी ये जो है ना घर के बड़े होते हैं, वो भी चाहेंगे ना तो भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जहां बर्तन रहेंगे वहां कुछ ना कुछ खटखनाहट तो होती है। तो ऐसी स्थिति वाले लोगों को तामसिक कहा जाता है। ठीक है, एक और श्लोक ले लें क्या? किसी का प्रश्न है क्या? चलो अगला श्लोक भी ले लेते हैं। 36 प्रश्न नहीं है किसी का, है ना। सुख के तीन प्रकार के होते हैं, यहाँ पे यही बताया गया, इसलिए ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसको बस पढ़ लेंगे हम, है ना। सुखम तु इदान सुखम त्विदानी त्रिविधम, सुखं तो सुखम तु इदानीं इदानी त्रिविधम्। त्रिविधम, शृणु मे भरत ऋषभ, शृणु शृणु मे मे भरत ऋषभ, भरतऋषभ। अभ्यासात रमते यत्र हाँ, अभ्यासात रमते यत्र, अभ्यासात अभ्यासात रमते रमते यत्र यत्र। सुखान्तं निगच्छति, दुखम अंतगम च निगच्छति। निगच्छति, सुखम तो इदानिम त्रिविधम। सुखम सुखम तो तु इदानिम इदानीं त्रिविधम, त्रिविधम्, शृणु मे भरत ऋषभ, शृणु ऋणु मे मे भरत भरत ऋषभ, ऋषभ, अभ्यासात रमते यत्र, अभ्यासात अभ्यासात रमते रमते यत्र, यत्र, दुख अंतम च निगच्छति, दुखम दुखान्तं च च निगच्छति, निगच्छति। सुखं तु इदानीं त्रिविधम्, सुखम तो सुखं तु इदानीं इदानीं त्रिविधम्, त्रिविधम्, शृणु मे भरत ऋषभ, शृणु शृणु मे मे भरत भरत ऋषभ, ऋषभ, अभ्यासात रमते यत्र, अभ्यासात अभ्यासात रमते रमते यत्र, यत्र, सुखान्तं च निगच्छति, दुखान्तं सुखान्तं च च निगच्छति। निगच्छति। अनुवाद, हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे तीन प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। सुखम तु इदानी त्रिविधम, भगवान कहते हैं सुख भी यहाँ पे तीन प्रकार के होते हैं। सुखम तु इदानी त्रिविधम, तीन प्रकार के सुख होते हैं। शृणु में भरत ऋषभ, हे अर्जुन अब इसके बारे में मुझसे सुनो। अभ्यासात रमते यत्र, अभ्यास के द्वारा
जो इन सुखों में रहते हैं, है ना, अपनी कोशिश करते हैं कि मैं इन सुखों में रहूं, सुख को स्वीकार करते हैं, और क्या करते हैं, दुखांतम च निगच्छति, तो उनकी दुखों का अंत हो जाता है। प्रयास करते हैं इन सुखों को भोगने का, तो अपने दुखों को अंत कर देते, दुख को भूल जाते। लेकिन कई लोग अपने दुखों को भूलते ही नहीं, वो अपने दुख को एकदम, टीवी में पहले दिखाते थे ना, वो लिख के रखेगा, एकदम काट के रखेगा अपने हाथ में, मेरे को तकलीफ होती रहे ताकि मैं एक दिन बदला लूंगा इससे, इसने मेरे साथ ऐसे कर लिया, याद रहेगा मेरे को, इस घाव से जो है ना, मैं इसको घाव को और हरा करते रहूंगा ताकि मुझे याद रहे कि मेरे को तेरे से बदला लेना। ये होता ना, दुख को कभी भूलना नहीं है, ऐसे लोग भी होते। ठीक है, तो अनुवाद तो पढ़ लिया था ना तुमने, नहीं पढ़ा? हे प्रभु जी, नहीं नहीं पढ़ा। नहीं, अनुवाद। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे तीन प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। ठीक है, तात्पर्य, तात्पर्य शील प्रभुपात, शील प्रभुपात की जय। बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि बद्ध होने के कारण आदमी का काम ही एक ही है कि अपने सुखों को बढ़ाना और दुखों को कम करना, हमारा उद्देश्य यही है, क्योंकि हम बद्ध अवस्था में, हमको मालूम नहीं सुख है किसमें, दुख है किसमें, लेकिन भौतिक सुखों को ही सुख मान के हम उन्हीं की उन्नति के लिए प्रयास करते हैं। तो वही बता रहे हैं कि सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है, इस प्रकार वह चर्वित चर्वण करता रहता है, जो पहले के द्वारा, लोगों के द्वारा चबाया गया है उसी को चबाने की कोशिश करता है ना। जैसे पुराने लोग देख के भी कुछ नहीं रखा है ना, फिर भी वही चाहिए उसको, कोई पिताजी बोल रहे बेटा कुछ नहीं रखा है, कोई कोई सुख नहीं है जो है ना फैमिली में, परिवार में, लेकिन बेटा तो पापा मेरी भी शादी करा दो, मेरी भी शादी करा दो। अरे बेटा क्या करेगा शादी करके, परेशान हो जाएगा, मैं तो परेशान हूँ तू भी परेशान है, नहीं नहीं बोलेगा मेरी भी शादी करा दे। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत वह किसी महापुरुष की संगति से, भव बंधन से मुक्त हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी महापुरुष की संगति से, अगर किसी के जीवन में लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो, है ना, साधु संग, साधु संग, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो, अगर किसी के जीवन में साधु संग हो जाता है तो उसका जीवन उद्धार हो जाता है ना। दूसरे शब्दों में बद्ध जीव सदा ही किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगति से यह समझ लेता है कि यह तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है और उसमें वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, तो कभी कभी वह ऐसे तथा कथित आवृत मूलक सुख से मुक्त हो जाता है। तो एक श्लोक हमने पढ़ा था, 13.26 खोलेंगे, है ना, पेज नंबर 482, 13.26, इसमें हमने पढ़ा था, ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं, है ना। मतलब सिर्फ अगर कोई जीवन में ऐसा व्यक्ति आ गया जो आपको ज्ञान दे रहा है और आप उसको फॉलो कर लिए, तो आप भी वही फल प्राप्त करोगे जो ज्ञानी आदमी प्राप्त कर। जरूरी नहीं है कि ज्ञान हमारे अंदर उदय हो, लेकिन अगर किसी को ऐसे फॉलो करना चालू कर दे, सिर्फ इसीलिए कहते हैं सुनना उनको चाहिए जो प्रमाणिक हो, जो गुरु हो, जो आचार्य हो, फालतू के लोगों को नहीं सुनना चाहिए, है ना, शाहरुख खान क्या बोल रहा है ना, अक्षय कुमार क्या बोल रहा है, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है, वो विमल की ऐड करते तीनों, विमल विमल पान मसाला गुटखा, आ ही जाता है, ना चाहते हुए भी देखना पड़ जाता है ना, बदमाश है, खुद तो खाएंगे नहीं, खुद खाते क्या विमल गुटखा, जो लोगों को बता रहे विमल केसर केसर क्या क्या, तो ऐसे लोगों को सुनना ही नहीं चाहिए, गलत बताते, भ्रम भ्रम पैदा करते।
हमको ऐसे लोगों को सुनना चाहिए जो हमारे जीवन में कुछ न कुछ ज्ञान दे, कुछ उद्धार की बात करे। कहीं से भी ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई चीज हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए जिससे हमारा उद्धार हो। सिर्फ सुनने और फॉलो करने से ही हम जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। 13.26 में हमने पढ़ा, जरूरी नहीं है रियलाइज हो, हम भी आत्मा को देखें, परमात्मा से बात करें, उनका दर्शन करें, जरूरी नहीं है। सिर्फ उनके भक्तों की बात को सुनने से ही हमारा उद्धार हो जाए। तो ऐसे गलत आदमियों को ना सुने और समझें कि सुख जो है ना वो आध्यात्म में, भौतिकता में नहीं है। सुख कितनी भी उपलब्धि क्यों ना प्राप्त हो जाए, क्या मृत्यु शैया के बाद वो उपलब्धि रहेगी? कितना भी बड़ा घर क्यों ना आ जाए, बैठ के तो जमीन में ही खाएगा, बैठ के तो वही रोटी और सब्जी दाल चावल ही खाएगा, कोई फर्क पड़ जाएगा? कितनी बड़ी गाड़ी क्यों ना चले, गाड़ी क्यों ना हो जाए, पहुंचेगा तो गंतव्य स्थान तक ही ना, और कहाँ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़े और छोटे से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमको समझना चाहिए, भौतिकता में श्रम लगा के पूरा जीवन अगर बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, मकान बड़ा कर लिया तो क्या प्राप्त किया? वो तो छोड़ के जाना ही, रहेगा थोड़ी हमारे साथ। ये समझना चाहिए, प्रयासों के लिए पूरा जीवन दे देते हैं लोग, पूरा जीवन सिर्फ प्रयास में दे देते हैं सुख को बढ़ाने के लिए, लेकिन वो समझ ही नहीं पाते कि सुख उसमें नहीं है। सिर्फ सुख अपनी उपलब्धि में नहीं है, सुख तो संतुष्टि में है। ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो जो ये समझ जाएगा वो सुखी हो जाएगा, जो नहीं समझ पाएगा वो दुखी दुखी रहेगा, वो प्रयास ही करता रहेगा, वो रजोगुण में हो जाएगा। ठीक है, तो किसी का प्रश्न होगा तो मत पूछिए, समय हो गया। ठीक है, कल चर्चा करेंगे, ठीक है? 7 बज गए हैं, 19 तारीख आने वाली है निर्जला एकादशी, कि कौन कौन निर्जला 18 को है क्या एकादशी? प्रभु जी? 18 को अठारह है प्रभु जी? 18 को है प्रभु जी? 18 को है निर्जला एकादशी, मेरे को ऐसा है, मैं क्योंकि बाहर था तब ध्यान देखा था तो मेरे को 19 दिखाई दिया था, शायद मैं मिस अठारह कर रहा हूँ। अठारह है प्रभु जी, 18। 18 कौन सा दिन पड़ रहा है प्रभु जी? 18 पड़ेगा प्रभु जी। हाँ, मंगलवार, ट्यूसडे, मंगलवार। माँ मंगलवार है। मंगलवार। अच्छा, मंगलवार मेरे को याद था, लेकिन डेट कंफ्यूज हो गया, 19 बोल गया। ठीक है, 4 दिन बाद निर्जला एकादशी है, आज 14 तारीख है, 18 तारीख को। तो कौन कौन प्रयास कर रहे हैं निर्जला रखने के लिए, हैंड रेस कर सकते हैं? हरि हरे बोल, कृष्णा। साफ प्रभु जी पहले से नहीं बता सकते, शरीर की स्थिति नहीं। देखकर हाँ किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। जो जो शरीर से जो विवश नहीं है उसको रखना चाहिए, लेकिन जिसका शरीर साथ नहीं दे पा रहा वो तो आदमी क्या कर सकता है? ये बहुत अच्छी बात है, 9 लोगों ने हैंड रेस कर लिया, मेरे को लगता है और भी लोग रहेंगे इसमें, तो बहुत लोग रहेंगे अभी। हाँ ना, नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कोशिश हरे करें कृष्णा प्रयास प्रभु कर। जी, अरे हरे कृष्णा बोलिए प्रभु बोलिए। जी। अब तो उसमें क्या एक दिन पहले से कुछ परहेज है क्या? 17 ये से कुछ? 18 तारीख को, वही मैं बता रहा हूँ, 18 तारीख को जिस दिन एकादशी है ना, उस दिन सूर्योदय के भी 2 घंटा पहले, मतलब आपको 4 बजे, सुबह 4 बजे के पहले आप कुछ भी ग्रहण कर सकते हो, कुछ भी मतलब जल ग्रहण कर सकते हो, जी अन्न तो नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है, अन्न तो एक रात पहले से ही जो है ना कम कर देना चाहिए, मतलब 17 तारीख की रात को भी अन्न कम ग्रहण करना चाहिए, फल वल ज्यादा ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 18 तारीख की सुबेरे 4 बजे के पहले जल ले सकते हो, 18 तारीख की 4 बजे के बाद जल नहीं लेना है, 19 तारीख को जो पारण समय आएगा उस समय भगवान को जो है अर्पित करके आप जो है उनका चरणामृत या कुछ भी आप वो ग्रहण करके जल पीकर भगवान का मंत्र बोलकर वो उपवास को जो है ना पारण कर सकते हो। तो ये पूरा सूर्योदय से सूर्योदय तक चलता है, ठीक है प्रभु माता जी, जी? प्रभु जी 17 को चावल खाने का क्यों नहीं खाने का?
17 को खा सकते हो, कोई खा प्रॉब्लम नहीं सकते है। ना? ठीक है, हाँ 17 को एकादशी नहीं है, 18 को एकादशी है, लेकिन कोशिश करें रात को जो है ना 17 तारीख की, जैसे क्या होता है रात को देर से खाने से क्या होता है, अन्न जो है ना पेट में पच नहीं पाता, कई बार अन्न अन्न के ही सब्सटेंस में रहता है तो वो दिक्कत करता है। बेटर हो कि रात को कम खाएं, अन्न खाएं, अन्न कम खाएं, फल फूल ज्यादा खा लें, खा भी लें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, खा सकते हो, जैसे उम्र का तकाजा है जैसा, नहीं अपन रोक सकते तो खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस 18 तारीख की सुबह 4 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, जी पीना भी प्रभु नहीं, जी, पानी भी नहीं पीना। प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, तो माधव तिथि एकादशी जो होती है वो माधव तिथि, इससे भक्ति जननी, भक्ति देने वाली होती है ये सारी तिथियां। इनको जितना हम फॉलो करते हैं उतना भगवान प्रसन्न होते हैं, उतना हमारे जीवन में भक्ति बढ़ती है। तो कोशिश करें यथाशक्ति, जो जल का निर्जला नहीं कर सकता है तो सजला करे, सजला कर सकता है, जो सजला नहीं कर सकता वो फलाहारी करे, फल में रख ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को आज क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्णा, कृष्णा 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 हरे हरे हरे, कृष्णा, हरे 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 राम राम, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। सभी सभी भक्त वृंद की भक्तवृंद जय, की जय जय। जगत गुरु श्रील जगत गुरु प्रभुपाद श्रील की जय, प्रभुपाद की निताई गौर जय। प्रेमानंदे, हरि 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 बोल, बोल, हरि 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 बोल, बोल, हरि 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 हरि।